बड़ी खबर यह है कि भड़काऊ नारे लगाने वालों पर हैदराबाद पुलिस सख्त है। सिर तन से जुदा के नारे लगाने वालों के खिलाफ एक्शन में है। हैदराबाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। अब दाहू कसफ और राशिद खान नाम के दो व्यक्तियों पर केस दर्ज किया गया है। भड़काऊ नारे लगाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है इन पर, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद पुलिस शांति बनाए रखने के लिए गिरफ्तारियां कर रही है और सख्त रुख अपना रही है। और विधायक टी राजा के जिस बयान पर हंगामा बरपा हुआ है, वो बयान उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को खरी खोटी सुनाते हुए दिया था। मुनव्वर पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया था और हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम का विरोध किया था। और अब एक बार फिर मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर विरोध शुरू हो गया है। मुनव्वर फारूकी के दिल्ली में होने वाले शो पर विवाद गहरा गया है। वीएचपी मुनव्वर फारूकी का शो रद्द करने की मांग कर रही है। वीएचपी ने दिल्ली पुलिस को लेटर लेकर मांग की। 28 अगस्त को दिल्ली में होना है मुनव्वर फारूकी का शो। अगर शो कैंसिल नहीं किया गया तो प्रदर्शन करेंगे, ये वीएचपी की चेतावनी है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। पुनीत, वीएचपी तो सीधे चेतावनी दे रही है कि अगर मुनव्वर फारूकी का दिल्ली में शो होता है तो फिर भारी प्रदर्शन किया जाएगा, शो को कैंसिल किया जाए। क्या इसको लेकर के अभी तक कोई बात सामने आई है, मुनव्वर फारूकी का शो कैंसिल होगा या फिर उनका शो दिल्ली में आयोजित जो किया गया वो होगा? देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि पहली बार नहीं है जब मुनव्वर फारूकी का विरोध किया जा रहा है। राधा कृष्ण और सीताराम को लेकर के मुनव्वर फारूकी ने पहले भी भद्दे टिप्पणी की थी, जोक्स बनाए थे, जिसके बाद उनका विरोध हुआ था। उसके बाद जब हैदराबाद में उनका शो था, उस शो को भी रद्द करना पड़ा था क्योंकि भारी विरोध था। और अब विश्व हिंदू परिषद खासतौर पर कह रहा है कि लेटर भी लिखा है पुलिस को कि इसका शो रद्द किया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें बता रही है कि लोगों में भारी रोष और इसी वजह से विरोध के चलते जब हैदराबाद में शो रद्द हुआ था, तो ये भी हो सकता है कि दिल्ली में कोई बड़ा बवाल ना हो इस चीज को लेकर के दिल्ली पुलिस इसके शो को भी कैंसिल कर दे। फिलहाल मुनव्वर फारूकी के लिए ये समय कठिन जरूर है। यानी कि अभी कुछ क्लियरिटी नहीं मिली है पुनीत मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, इसको देखते हुए यह आशंका जरूर बनी हुई है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर हो सकता है वीएचपी का मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर के। नजर आप बनाए रखिएगा पुनीत, शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।